हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बस 2000 सब्सक्राइबर्स दूर है हम 80K से, तो देख लो आप जितनी जल्दी खराब हो उतनी जल्दी लाइव आएंगे। लाइव में आदित्य भी आएगा, ठीक है? ठीक है आदित्य, मैंने सोचा क्यों ना आज डोरा के पास से ही आपका व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब डोरा को खाना मिलेगा, मतलब डोरा के साथ साथ उसके पूरे कुनबे को मिलेगा। बहुत बड़ा हो गया, अब बहुत बड़ा कुनबा हो गया इनका। ये देखिए आप, ये देखो उतरी गए। इनको पता चल गया, अभी थोड़ा सा पानी चेंज करेंगे। और एक डब्बा, जैसे हम ना कोशिश करते हैं कि एक डब्बा पानी रोज ही चेंज कर दे, उससे थोड़ा यूं है अच्छा रहता है माहौल। अब बच्चे देखना कितने हो गए हैं, टच वर्ड। और एक और अच्छी बात, जो ये पानी है ना इनका, ये पानी आप पौधों में डाल के देखो, बेस्ट रिजल्ट आएगा। और ये थोड़ा यार यहाँ पे ये जो पड़े है ना, ये पता क्या हुआ, आंधी बहुत ज्यादा आई है, 2-3 दिन हो गए ना आंधी आ रही है। तो बेस्ट तरीका है अगर ये वाला पानी आप इसमें डालोगे ना पौधों में, तो इनकी तरह एज अ फर्टिलाइजर काम करेगा इनके लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है, एक बार जरूर अप्लाई करना। और जो ये मनी प्लांट वगैरह है, इनके जो रूट्स है ना, इनके लिए नेचुरल फिल्टर का काम कर रही है। अब ये देखो पानी डाल देंगे हम, और ये फिल्टर का डाल रहे हैं भाई। फिल्टर का पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ना जो सप्लाई जो या फिर टैप वाटर होता है ना, जो भी टैप वाटर होता है उसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा होता है और कोई और बैक्टीरियाज ना हो, इस चक्कर में हम डायरेक्ट यही डालते हैं। अगर टैप वाटर डालोगे तो एंटी क्लोरीन वगैरह डालना पड़ेगा, तो उसका झंझट अलग है। तो है मेरे पे एंटी क्लोरीन। और ये जो इसने हाथ लगा के पानी डाला है, उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा ऐसे ऑक्सीजन, जैसे ऊपर से गिरेंगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती रहेगी पानी के अंदर। और भाई मैं नहीं कहता कि आप स्टार्टिंग में ही ऐसे करो, मैंने भाई आप लोगों ने अगर देखा हो मेरी पुरानी वीडियोस, तो मैंने फिश से रिलेटेड ही डाली हुई है चैनल पे। और पहले मेरे फिश चैनल का नाम भी रचित फिश कीपर था, जब मेरे ऑलमोस्ट 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स थे स्टार्टिंग में। और उसके बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया था पढ़ने, तो मैं चैनल पे ध्यान नहीं दे पाया था प्रॉपर। चैनल पे ध्यान तो सिर्फ अब जो पहला लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, उसमें ही शुरू करा प्रॉपर चैनल। तो मतलब हुए होंगे 8-9 महीने हुए हैं, 8-9 महीने से ही चैनल शुरू हुआ है ढंग का। मतलब रेगुलरली ये वीडियोस डालने शुरू करा हूँ मैं। मतलब भाई आज इतना खाना ले आए हैं इनका, और ये डाल देते हैं खाना, ये भी सारे खा जाएंगी। ये खाना ना क्रश कर देते हैं ताकि छोटे बच्चों को भी मिल जाए ना। ये देखो अभी खाने शुरू, छोटे छोटे बच्चे खाने शुरू कर रहे हैं। तो बाइक स्टार्ट करके देख लेते हैं, कितने दिन हो गया था इतना बंद पड़े इसको? हफ्ता हो गया, कम से कम महीना हो लिया, महीना हो लिया कम से कम। हमारी एक्टिवा नहीं बेटा, हाँ एक्टिवा ही चलती है ज्यादातर लोकल ही, तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी के लिए था मेरे पे। ये देखे ले भाई, पकड़ कैमरा, हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा फोटो, हो जाएगा। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, कल तो नहीं खाई इसने मम्मी, इसकी तो बैटरी भी जाएगी यार खड़ी खड़े। इसकी तो बैटरी है यार, तो अब ठीक मारनी पड़ेगी यार। ये तो पहली बार हुआ है, ये बाइक मेरा भाई चला ही नहीं है। ये 2018 मॉडल है और ये कुछ नहीं चला, वो चला ही यूनिवर्सिटी में। यार इसको तो बैटरी चली जाएगी, वो तो इसको चलाना पड़ेगा। हेला सो गया ये क्या मानो, हेला तू तो आई है भाई। ये तो आई हो ना आई हो। तो आज भाई हम इसको इवनिंग वॉक के लिए मैले और आदित्य और तेजस लेके आए हैं, क्योंकि पापा कह रहे थे आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ, तो हमने सोचा कि उन्हें हम ले जाएं। तो दिखाते हैं आपको क्लिप अगर इसने कुछ इंटरेस्टिंग करा, नहीं तो भाई आप, मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ इसकी मॉर्निंग वॉक, वो देखना जरूर आप। तो भाई जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हेला का एडमिशन कराना पड़ेगा मानो के स्कूल में, क्योंकि अब हेला इतनी बड़ी हो गई है कि इसको स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो ठीक है चलेगी, तो मैं प्यारा बच्चा है तो। तो अब हेला का एडमिशन कराना है, उससे पहले वहां पे पर्ची कटानी पड़ेगी, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, ये ज्यादा भीड़ रहती है इसके स्कूल में। और थोर भी बाहर घूम रहे, तो स्कूल नहीं गए हमने, हेला को यहाँ छोड़ते पापा के पास और पहले हेला की पर्ची कटवाते। ओए थोर चल तू स्कूल में, चल चल अंदर,
चलो मैं हॉस्टल में जाता हूँ, हॉस्टल सर्विस भी खोल दी है एक्चुअली मानू मैडम ने। मैं कमेंट एक्चुअली मुझे एक्चुअली मेरे पास असिस्टेंट नहीं है तो मैं ही बन जाती हूं कभी कभी खुद के असिस्टेंट। एक्चुअली मुझे ना इधर आइए सर, एक्चुअली यहां पे एक्चुअली बहुत हो गया ये कैमरा का एंगल सही है एक्चुअली सर बात बात सुनो भाई मैडम थैंक यू सर, मेरे स्कूल के बच्चे बात मानते हैं बात मानते हैं। बैठ जी बैठ जी बात सुनो मैडम, हमें हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है। ये मेरी बुक है जो मैं मिनीसो से क्यूट है इसलिए लेकर आई थी एक साल पहले, फिर उससे के बाद एक साल तक मैं रोज सुनती थी कि बच्चे को लेके आए। मैं फोटो दिखा तो देते हैं आपको, ये पर्ची कटाने के बाद लाना बच्चा। सर आप पर्ची कटाने के बाद हमारे वैसे मिलेंगे, फिर दूसरे में मिलेंगे। ये रिसेप्शन आपका, जल्दी दीजिए भाई पर्ची, इतना टाइम हमारे पे भी नहीं। इस टाइम तो रिसेप्शनिस्ट बन के बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट का नाम क्या है? स्टूडेंट का नाम है हेला पंगाल। ब्रीड कैसे? ब्रीड उसकी पर्शियन क्या है? स्पेलिंग आती है ना आपको? ऑफ कोर्स मैं स्कूल चलाती हूँ सर। तो यार छुपा के क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं एक्चुअली ना ऐसे मैंने हॉस्पिटल में देखा, स्कूल में भी देखा, वो छुपा के लिख रहे हैं तो छुपा के। पेरेंट्स का नाम? उसके पापा का नाम है जैक, वो भी सिद्धू मूसे वाले की वीडियो में भी आएगा। मम्मी का नाम फिर स्पैरो होता होगा। मम्मी का स्पैरो नाम ही पेज गया। सही है, मैं तो चाहिए हुई लिख रही है तो सही में लिखा था। रंग बिरंगे पेन से। चलो इसके पैसे निकल। आपकी बेटी ने स्कूल का पर्चा बना के दिया मानू ने हेला के लिए और मानू की स्पेलिंग एम डबल ए लिख दी है। स्टूडेंट नेम हेला पंगाल। अच्छा। ब्रीड पर्शियन कैट, एज 4 महीने। पापा का पेरेंट्स का नाम जैक और स्पैरो, जैक इसका पापा, स्पैरो इसकी मम्मी। और तू फिर स्कूल से बंक मार आया? ये बंक बहुत मारता है, ये छुट्टी ले जा बाथरूम की, मैं इसका बाथरूम करवा लिया। भाई जा, ये हमारी बच्ची है, ज्यादा हाथ मत मार करो, हमारी बच्ची हमारे हाथ में रहेगी और हाथ में बिगड़ जाती है। आप अपनी तशरीफ उठाइए और निकलिए मत। कितनी फेक एक्टिंग करते हो मैडम आप, मेरे को फोन दो जो बोलाए थे मैडम। ये लो फोन, मैं ब्रेक आ दो कहीं तुम फिर से भूल जाओ। हाँ तो स्टूडेंट नाम हेला पंखा, ब्रीड पर्शियन। ओहो हमारी रिसेप्शनिस्ट की अकल फिर गई। पंच फेस है, कौन सा फेस है पूछा ही है? ये डॉल फेस है, फ्लैट फेस है। चलो जो भी फेस है आप आगे इसके टेस्ट एडमिशन ले। हमारे आपके सर हमारे स्कूल में ना 3 प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। एक हम इसको इसकी हम आंखों की टेस्ट करेंगे, मतलब इसकी प्रेजेंस देखेंगे कितनी, तो वो हम करेंगे वीडियो। आप सोचोगे कि कैसे सुनोगे, ये हमारा डोगी है प्यारा बच्चा बेटी। हाँ अब ठीक हो रहा है थोड़ा बहुत, ये कैसे बैठ गई देगी। एक्चुअली अंदर देख लो बेटा। हेला इसको पकड़। हेला कॉन्सेंट्रेट। हेला कॉकरोच पकड़ेगी मुझे लगता है, मैं इस बच्ची को एक और चांस देना पसंद करती हूं। भाई इसकी आंखें तो सही है, देख तो रही है ये। नहीं ऐसे भी तो करे। एक्चुअली हमारे भैया का नेट नहीं चलता। पर ये देखिए, ओ पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। वही हेला पास हो गया मानू, फिर पकड़ लिया तो आने देगा। तो ये पकड़ रही है, पकड़ने से मतलब है? नहीं सर नहीं, गलत प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं चलानी यहाँ पर। सर मैं आपको बता दूँ, जैसे बच्चे आपके आएंगे ना, अभी तो हम ऑनलाइन क्लास लगाएंगे, मेरे पास और बहुत एडमिशन आए हैं, वो भी मैं बताऊंगी। हेला पास हुई या नहीं हुई या कल के लिए छोड़ दे इसका रिजल्ट, वो भी देख दे, अभी दिखा देते हैं। चल गई हमारी वीडियो एक्चुअली। वाह हाँ तो मार दे, हेला पास कर। बाकी आज भाई आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी क्लास में जाने चाहिए, ठीक है? और अब मैं आपको वो दिखा दूँ एक मिनट। आपके नए स्टूडेंट्स, हाँ, इस बच्ची का देखो ध्यान कहाँ है, इस बच्ची का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान है कि थोर की पूछ कैसे पकड़ूं मैं। टीचर से मिलवा दी। ये हमारे पीटी टीचर है, हेलो सर। टीचर अभी लॉन्ग जंप करते हुए नीचे गिर गए थे, वो थोड़ी पूछ मारी कैमरे पे।
हेला अपने ध्यान दे रही है। ये हमारा थोर भाई साहब, सोनू ले आप कमेंट दिखाई दीजिए, बादशाह, ड्यूक आप कमेंट भी दिखा दीजिए। गाइस रुके, चुप रहिए। मैडम में एटीट्यूड है। मुफासा, पुंटू, कुकी। एक सेकंड, कुकी दिखी नहीं मुझे। एक्चुअली मेरी तारीफ हो गई, छोड़िए। कुकी दिखाइए ना, कुकी पास आके दिखाइए। हाँ, ये कुकी। एक्चुअली हर नेम इज कुकी, बट वी विल से कुकी। कडल्स, बबल्स, मडल्स। ठीक है, तीन बच्चे एक साथ। यस, सब डिमांड होता है। टफी को भी हम पढ़ा सकते हैं एक्चुअली। चिकी एंड ब्रूनो, ये वाली सीरीज अगले व्लॉग में भी कंटिन्यू रखेंगे। ये मजाक था बीच में, आपको कैसा लगा? इतना सब मजाक था। टाइसन, अब मालूम पड़ रही है कमेंट। जो जो बच्चों ने, जो जो लोगों ने, मैंने पिछले वीडियो में कहा था अपने बच्चों का एडमिशन कराने, तो नीचे नाम वगैरह लिखो। और गाइस, हम ऑनलाइन क्लास लगाएंगे, हम लगाएंगे। आप लोग एक काम करना, आज की, कल की वीडियो में इतने लोगों ने नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए था। आज की वीडियो में ज्यादा और जितने भी बच्चे रह गए, जिसने भी एडमिशन कराना है मानू के स्कूल में, तो जरूर लिखना नीचे, ठीक है? नाम वगैरह, क्लास क्लूज, आपने पेपर तो देख ही लिया होगा, जैसे एडमिशन लिया था मैंने वैसे सारी चीजें लिखना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये देखो एक बार। ऑनलाइन क्लास लगेंगी, और अपने बच्चों को प्रॉपर ड्रेस में भेजना, ठीक है? ड्रेस कोड वगैरह सब आ गया है अब ब्लॉग में। इन ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है? ओके मानू, बाय बाय। टॉमी बाय, एक टॉमी और है। चलो मम्मी बाय, बहुत सारे टॉमी, बाय बाय। टीचर आई है पढ़ने।